सो गाइस ये देख लो, आज हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू 2024 टोटली न्यू लॉन्च्ड मारुति सुजुकी डिजायर, जो कि इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, मतलब कि आपको VXI, जिसमें कि आपको अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर देख लो चाहे आप एक्सटीरियर देख लो, जो पुराने वाले डिजायर आते थे उससे आपको बहुत ही ज़्यादा चेंज देखने को मिल जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो जो कि आपको व्हाइट कलर में लगा हुआ है, वैसे दो तीन कलर और भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है जो कि आपको 779,000 रुपीज़ पड़ने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी का डिटेल ऑलराउंड रिव्यू देने वाला हूँ, क्या कुछ प्राइस पड़ जाता है, इंटीरियर कितने अच्छे दिए गए, एक्सटीरियर कितना अच्छा दिया गया है, और फर्स्ट इन द सेगमेंट में आपको इस गाड़ी में क्या क्या बेस्ट फीचर्स देखने को मिल जाएगा। और आपको पता होगा कि ये जो मारुति की पहली गाड़ी है जिससे कि 5 स्टार ग्लोबल NCAP में सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है, क्योंकि इस गाड़ी में अब आपको 6 एयरबैग का स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएगा और जो इंजन है उसे भी चेंज कर दिया गया है। हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इस गाड़ी का फ्रंट डिज़ाइन को देख पाओगे, अफकोर्स आपको ऑडी का हल्का हल्का आपको यहाँ पे फील भी मिलने वाला है। इसके टॉप मॉडल में जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलेंगे। बीचों बीच ए पट्टी देख सकते हो जो कि आपको टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर में दिया गया है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और यहाँ पे देखो जहाँ की आपको क्रोम के पट्टी भी देखने को मिलेंगे। नीचे वाला ए ग्रिल देखोगे जो कि आपको ब्रॉड साइज में दिए गए, टोटली आपको मैट ब्लैक कलर में दिया गया है। और इसका जो चौड़ाई मिलता है जो कि आपको 1745 mm का दिया गया है। हेडलाइट सेक्शन देखोगे जो कि आपको टॉप मॉडल से आपको अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो जहाँ कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ आपको प्रोजेक्टर लाइट दिए गए, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा और इस जगह पे आपको पायलट लैंप भी दिए गए। नीचे में आपको यहाँ पे फॉग लैंप लगाने का तो जगह मिल जाता है, बट आपको यहाँ पे फॉग लैंप नहीं देखने को मिलेंगे। एक्सेसरीज के रूप में अफकोर्स आप लगा सकते हो। साइड प्रोफाइल की ओर आओगे तो सबसे पहले आप इसका यहाँ पे टायर देख सकते हो जो कि आपको सीएट कंपनी का दिया गया है। कोई भी इसमें आपको एलॉय व्हील तो नहीं मिलता है, बट कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पे व्हील कैप पहले से मिल जाएगा। स्टील रिम दिए गए। टायर का जो साइज़ है जो कि आपको 165/80R14 के साथ इसमें आपको स्टील रिम देखने को मिलेंगे। टॉप मॉडल में आपको 15 इंच का देखने को मिल जाएगा। ORBM का सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, बॉडी कलर में ही दिया गया है, इससे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाओगे। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट किया गया है। डोर हैंडल देखो जो कि आपको बॉडी कलर में दिया गया है, इधर तो आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं देखने को मिलेंगे। बी पिलर जो दिया गया है टोटली आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। ऊपर में तो आपको कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलता है, और इस वेरिएंट में भी देखोगे तो आपको यहाँ पे सनरूफ भी नहीं देखने को मिलेगा, बट पीछे आप देख सकते हो जहाँ कि आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। गाइस गाड़ी के आप टोटली रियर प्रोफाइल की ओर देख सकते हो जहाँ कि ऊपर में आपको यहाँ पे स्पॉयलर दिया गया, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे डिज़ाइन में मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो सुजुकी का लोगो, आपको यहाँ पे टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर के पट्टी मिलेंगे और साथ साथ आपको यहाँ पे क्रोम के भी यूज़ देखने को मिलते हैं। इस वाले वेरिएंट में आपको पीछे में कोई भी कैमरा तो नहीं मिलता है, बट पीछे देखो जहाँ कि आपको टोटल 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएगा। टेल लाइट सेक्शन की ओर आओगे वही आपके टॉप मॉडल के जैसा देखने को मिलता है। एरो शेप में दिया गया जो कि आपको ऑलवेज ऑन मोड डिस्प्ले में जल जाता है। साथ साथ आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया, रिवर्स लैंप दिया गया, स्टॉप लैंप दिया गया, और रिफ्लेक्टर आप देखोगे जो कि इसके अंदर ही आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। बूट स्पेस को चेकआउट कराऊँ तो आप यहाँ पे इसका बूट स्पेस देख सकते हो जो कि आपको 382 लीटर के इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिलेंगे। अच्छा खासा आपको यहाँ पे डिप दिया गया है, और इसके अंदर देखो जहाँ कि आपको स्टील रिम देखने को मिलेगा वही आपको सेम साइज के देखने को मिलेंगे। टूल किट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस जगह पे देखो जहाँ कि आपको स्टॉप लैंप मिलेगा, और यहाँ पे देखो जहाँ कि आपको डिफॉगर दिया गया है। इसमें आपको वाइपर और वाशर के यूनिट नहीं देखने को मिलेंगे। और गाइस अभी आप देख सकते हो जो कि मैं इसके पीछे वाले सीट पर आ चुका हूँ, जो दोनों ही सीट है वो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ, और जो मेरा हाइट है जो कि आपको 5.6 इंचेज है। और आप यहाँ पे स्पेस चेकआउट कर लो, लेग रूम देख लो, आपको कहीं से भी कमी फील नहीं होने वाला है। थाई सपोर्ट देख लो, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे मिलेंगे। और जो हेडरूम दिया गया ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। मेरे हाइट से अगर आप ज़्यादा तो आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो। जो सीट मिलता है जो कि आपको टोटली फैब्रिक के साथ दिया गया है, हल्के से आपको बेज कलर के मिलेंगे, आपको यहाँ पे कुछ टेक्सचर भी देखने को मिल जाएगा। 3 में आपको यहाँ पे सीट बेल्ट दिया गया, साथ साथ आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी देखने को मिलेगा। बीचों बीच आप यहाँ पे देखो जहाँ कि आपको 2 कप होल्डर मिलेंगे, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, और दोनों ही जो हेडरेस्ट मिलता है जो कि आपको एडजस्टेबल फंक्शन के साथ दिया गया है। इधर आप देख लो पीछे में, तो इस वाले वेरिएंट में आपको रियर एसी वेंट भी देखने को मिल जाएगा। ब्लोअर कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। और पीछे में आपको यहाँ पे 2 चार्जिंग के सॉकेट भी दिए गए हैं, जो कि एक तो आपको टाइप सी मिलता है और दूसरा जो है जो कि आपको USB पोर्ट दिया गया है। मोबाइल रखने के लिए आपको यहाँ पे अच्छा सा स्पेस मिल जाएगा। को ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिलेंगे, ड्राइवर साइड तो आपको नहीं दिया गया है, बट आप यहाँ पे देखो ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड का हेडरेस्ट जो कि आपको दोनों ही एडजस्टेबल मिलता है। और इस जगह पे आपको कैबिन में पीछे एक लाइट मिलता है और आगे में आपको एक लाइट दिया गया है। अब मैं गाइस इसके ड्राइवर सीट पे चलूँ तो सबसे पहले आप इसका डोर ट्रिम देखोगे जो कि आपको डुअल टोन कलर में मिलेगा। इधर आपको ब्लैक कलर, इधर आपको बेज कलर दिया गया। इनसाइड और हैंडल क्रोम के साथ दिया गया है।
चारों पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं। ऑटो फंक्शन के साथ आपको ड्राइवर साइड का विंडो मिल जाएगा, ORBM को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो पार्ट है जो कि आपको फैब्रिक में दिया गया है, हल्के से आपको सॉफ्ट टच में मिल जाते हैं। नीचे में आपको बोटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है। और इस गाड़ी में आपको टोटल 4 स्पीकर और आपको 2 ट्विटर के सेट मिलेंगे। सीट देख सकते हो, वही आपको बकेट फिट में दिया गया, फैब्रिक में सीट दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाता है, रिक्लाइन करने के लिए आगे पीछे आप यहीं से कर सकोगे। इधर आप देख लो, जहाँ की आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ करने के लिए हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन नहीं मिलते हैं, बट आपको यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग के साथ आपको की देखने को मिलेगा, जो कि आपको दोनों ही की दिया गया, लॉक और अनलॉक करने का आपको यहाँ पे फंक्शन मिल जाएगा। इस जगह पे देखो, जो कि इसका जो बूट है उसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है। फ्यूल लिड को खोलने के लिए आपको यहाँ पे जगह दिया गया, और हुड को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएगा। और गाइस, अभी आप देख सकते हो जो कि स्विफ्ट डिजायर का 2024 मॉडल का जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है VXi, उसके इंटीरियर पे आ चुका हूँ। डैशबोर्ड देख सकते हो, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, ग्रे कलर के आपको लाइनिंग मिलेंगे, इधर आपको ब्लैक कलर का, जहाँ की आपको कुछ टेक्सचर भी दिया गया है, और ऊपर में आपको यहाँ पे भी कुछ पैटर्न्स दिए गए, आपको बेज कलर के देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि 6 एयरबैग इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। सेफ्टी रेटिंग पुराने वाले से बढ़ा दिया गया है। और जो स्टेयरिंग मिलता है, कोई भी आपको लेदर रेप तो नहीं मिलेंगे, बीचों बीच आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। हॉर्न आपको यहाँ पे दिए गए, टेलीफोनिक का जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे दिया गया, वॉइस कमांड के भी ऑप्शन मिलेंगे। क्रूज कंट्रोल इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है, और इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। इधर आप देख लो, जहाँ कि आपको हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए, और इधर आपको वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे। आप इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देखोगे, जो कि आपको ठीक ठाक साइज में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लो फ्यूल है वो आपको शो कर रहा है, साथ साथ इसमें आपको क्या माइलेज दे रही, क्या रेंज है गाड़ी का, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताने वाली है। तो यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाएगा। मोबाइल को आप इजिली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। 2 AC वेंट मिल जाएगा, हजार लाइट के बटन आपको यहाँ पे दिए गए। ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे AC मिल जाएगा, ब्लोअर कम ज्यादा कर सकते हो, टेम्परेचर कम ज्यादा आप यहाँ पे बढ़ा सकोगे। साथ साथ आप यहाँ पे देखो ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया एयर सर्कुलेशन ऑन ऑफ, AC मैक्स में भी आप डाल सकते हो, फ्रंट डिफोगर, रियर डिफोगर, सब कुछ आप यहाँ से इजिली से कंट्रोल कर पाओगे। नीचे में देखो, जिस जगह पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट के स्लॉट दिए गए, इधर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, बट टॉप मॉडल में इस जगह पे आपको वायरलेस चार्जर के पैड दिए गए हैं। यहाँ पे देखो, 2 कप होल्डर देखने को मिल जाएगा, ये आपको 5 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। रिवर्स गियर आपको यहीं से लगने वाला है, इसके चारों ओर आपको यहाँ पे लेदर के यूज मिलेंगे। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस देखने को मिलेगा। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो इसके अंदर भी आपको डिसेंट स्पेस मिलता है, कोई भी कूलिंग सिस्टम और लाइट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। इधर आप को ड्राइवर साइड देख लो, जहाँ की आपको मिरर भी देखने को मिल जाता है, लाइट नहीं दिया गया। इस जगह पे देखो, जहाँ की आपको हेलोजन बल्ब के लाइट मिलेंगे, सनरूफ इसमें आपको नहीं दिया गया है। और जो IRBM है, जो कि आपको मैनुअल ही देखने को मिलेगा। ड्राइवर साइड आओगे, जहाँ की आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाएंगे। और गाइस, MID आप यहाँ पे देख सकते हो, सेमी डिजिटल में दिया गया है। इधर आप देखो स्पीडोमीटर, उधर आपको टैकोमीटर, काफी कुछ आपको इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। लो फ्यूल है वो आपको शो कर जाएगा, और यहाँ पे आप देखो डिजिटल में क्लॉक मिल जाएगा, एवरेज माइलेज क्या गाड़ी का वो शो कर जाता है। फ्यूल गेज आपको यहाँ पे शो कर रहा है, और इससे टॉगल करने के लिए आपको ये बटन दिया गया है, इसे जब आप दबाओगे तो आप देख लो रेंज क्या है गाड़ी का वो भी आपको शो कर जाता है। माइलेज क्या दे रही गाड़ी वो आपको बताने वाली है, एवरेज स्पीड क्या है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। फिर से आप दबाओगे तो आपको रेंज ही शो करने वाला है। इधर आप देख लो, जो कि आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 और आपको यहाँ पे ओडोमीटर शो कर जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स आपको यहाँ पे MID दिया गया है। इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा, इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल्ड रिव्यू में, वो सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कन्फ्यूजन हो तो आपको सब कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि इस गाड़ी का इंजन होने वाला है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें जो इंजन आपको पहले 4 सिलेंडर का मिलता था, उसे चेंज करके अब आपको इस गाड़ी में 3 सिलेंडर इंजन मिलना स्टार्ट हो गया है। वही जो न्यू वाले स्विफ्ट मिलता है, वही आपको सेम इंजन इस गाड़ी में भी दिया गया है। 1.2 लीटर के आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेंगे, 83 PS का पावर और आपको 112 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी आपको टॉर्क देने वाली है। बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा रिफाइंड इंजन देखने को मिल जाएगा। और खास बात इस गाड़ी की ये है, इसका जो माइलेज है वो भी आपका इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि अब इसमें आपको 3 सिलेंडर मिलेंगे, जिस वजह से आपको माइलेज ज़्यादा हो गया है। माइलेज जो इस गाड़ी से आपको मैनुअल में मिलता है, जो कि आपको 25 किलोमीटर पर लीटर का मिलने वाला है, और साथ साथ इसका ऑटोमेटिक में जाओगे तो आपको 26 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा। और अगर आप इस गाड़ी का CNG वाला वेरिएंट लेते हो तो उसमें तो आपको 33 किलोमीटर पर KG का भी आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं इसका हुड को ओपन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन इंजन देखने को मिल जाएगा। ABS, CVD, ESP हर एक कुछ कंट्रोल दिए गए। बैटरी का आपको कंपार्टमेंट इधर दिया गया है, और ऊपर में देखो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिया गया है। और ये मैं जब हुड खोल रहा हूँ तो हल्का सा मुझे भारी भी फील हो रहा है। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो सेफ्टी रेटिंग है गाड़ी का, वो आपको अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। वैसे जब भी इस गाड़ी का लाइव एक्सीडेंट वाला कोई भी वीडियो आपके सामने आता है रोड वाला, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि सेफ्टी रेटिंग कितने अच्छे से इम्प्रूव किया गया है।
और गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो प्राइस है वो आपको कितना पड़ने वाला है। आपको मैंने पहले ही बताया जो एक्स शोरूम प्राइस है जो कि आपको 7,79,000 रुपीज़ रखा गया है, और इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है हमारे नियर सिटी शोरूम रांची में प्रेमसंस मोटर पे जो कि आपको 9,02,000 रुपया ही पड़ने वाला है। तो प्राइस भी जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। और ये आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो VXI वाला वेरियंट है सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है, क्योंकि इसमें आप उतना ही पैसा लगा रहे हो जितना आपको फीचर्स मिल रहा है। तो मैंने कहा जिस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल्ड रूप में वो सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कन्फ्यूजन होता आपको सब कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।